अलवर जिले के रामबास इलाके में मॉब लिंचिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि आरोपियों ने मृतक को ट्रैक्टर जोर समझकर पीटा था और सभी आरोपी एक ही समुदाय के हैं। राजस्थान के बाड़मेर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के एक सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद अफीम परोसी गई और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जालौर की घटना से आहत होकर 15 अगस्त को बारा के कांग्रेस विधायक पाना चंद मेघवाल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधायक मेघवाल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है। पाली जिले के एसडीएम और महिला शिक्षिका पर गाज गिर गई है। एसडीएम को एक वायरल वीडियो में महिला शिक्षिका के घर से निकलते हुए देखा गया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। मानसून के दूसरे चरण में राजस्थान में भारी बारिश की आशंका दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी की फोटो हटाने को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि केजरीवाल करोड़ों खर्च करके राष्ट्रीय नेता बनना चाहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गुजरात और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियों का लेंगे जायजा। गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पैरामिलिट्री फोर्स के ट्रकों में पैसा पहुंचता है बीजेपी के ऑफिस और कम जगह घेरता है 2000 का नोट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अशोक गहलोत ने पायलट पर भी निशाना साधा है और कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं।